जानते थे हम कि वो पूर्वी का फोन नहीं उठाएंगे। बहुत जिद्दी है, रूढ़िवादी है, कंजर्वेटिव है। हमने तुमसे कहा था कोई उम्मीद मत रखो उनसे। सोचो, जिन्होंने अपनी ही जिंदगी में अपनी बेटी को काट के फेंक दिया। समझाओ इसे, जिद मत करें। हो सकता है किसी काम में बिजी होंगे, हमें लगता है कुछ देर बाद फोन करेंगे वो। अचानक इतने दिनों बाद पूर्वी का फोन देखकर चौंक गए होंगे, थोड़ा समय लगा रहे हैं नेचुरली जवाब देने में। और जब से भागी है एक बार भी बात नहीं की इसने, है ना? बात की है आलोक, पूर्वी ने फोन किया था, हमने करवाया था, लेकिन उसकी मम्मी ने कहा कि उसकी कोई बेटी नहीं है। बताओ, कोई माँ ऐसे बोल बोल के सह सकती है अपने बच्चे के लिए? हमें तो नहीं लगता कि फोन आएगा। हेलो 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 हेलो, कौन बोल रहा है? जी नमस्ते, हम आलोक, आलोक मिश्रा बनारस से, श्री जगन्नाथ मिश्रा जी के बेटे। हमें आपकी बेटी मेरा मतलब पूर्वी के बारे में कुछ बात करनी है। जगन्नाथ मिश्रा के बेटे का फोन है, पूर्वी के बारे में बात करना चाहता है। बोलिए। सिंह साहब, शायद आपको पता नहीं, पूर्वी की शादी नहीं हुई। बाबू ने धोखा दे दिया उसे। तब से बहुत पछता रही है बेचारी, माफी मांगना चाहती है, घर लौटना चाह रही है। आज बनारस आ रहे हैं हम आपके घर। बताइए, ये कोई जवाब हुआ? हम बनारस आ रहे हैं। अरे तो आइए ना, मगर सीधे से ये बताइए कि आप लड़की को माफ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ऑफ कोर्स करेंगे पापा, इसीलिए तो आ रहे हैं, वरना फोन पे मना कर देते। अब तो खुश हो ना पूर्वी, मम्मी पापा आ रहे हैं। जाओ अपना सामान पैक कर लो और तैयार रहना। अंकल जी आइए। क्या हुआ अंकल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं हमसे? बेटा, हम तुमसे सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि तुम ये सब क्यों कर रही हो? मतलब बेटा, हम जानते हैं कि दीपा और आलोक को तुम्हारे यहाँ रहने से बहुत परेशानी है, कि वो कैसे तुम्हें हमसे और तुम्हारी आंटी से दूर करने की फिराक में लगे हुए हैं। वो लगातार तुम्हें ये महसूस करा रहे हैं कि तुम इस घर की नहीं हो, बाहर की हो, मेहमान हो यहां पर। हम उनके मन की बात भी समझ रहे हैं बेटा, वो हैरान हैं, दंग हैं कि जिन मां बाप को उन्होंने सारी उम्र टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, जिनके बारे में वो समझते थे कि वो उनके साथ जो चाहे करें, जैसा भी बर्ताव करें,
वो नहीं बदलेंगे। पापा कितने भी नाराज हो जाए लेकिन जरूरत पड़ने पर फौरन दीपा के लिए एफडी तुड़वाने दौड़ पड़ेंगे। उन्होंने अम्मा का दिल कितना भी तोड़ा हो लेकिन वो फिर भी उनके इंतजार में अचार डालेंगे, पापड़ सुखाएंगे, सुबह से लेकर रात तक उनके फोन का इंतजार करेंगी। वो आज बदल गई है, यही बात उनको हजम नहीं हो रही है कि जिन माँ बाप पर उन्होंने हमेशा से अकेले अपना हक समझा उनकी जिंदगी में कोई दूसरा कैसे इंपॉर्टेंट हो गया। और बजाय बेटा ये समझने की कोशिश करने के कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, वो बहाने ढूंढ रहे हैं, किसी और के मत्थे इसका दोष देने के बहाने ढूंढ रहे हैं वो, और वो बहाना तुम हो। उनका निशाना तुम हो बेटा। उन्हें लगता है कि अगर तुम यहां से चली जाओगी तो उनकी फैमिली उन्हें वापस मिल जाएंगे। वो नहीं समझ रहे हैं कि फैमिली सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं बनती है, एक परिवार वो भी है उनके मां बाप का जो उन्होंने तुम्हारे साथ बसाया है, काशी के साथ बसाया है। कभी बीरेन के साथ बसाया था, ठीक से समझ लो बेटा कि इस घर में रहने का तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना दीपा का है, आलोक का है या ईशा का है। बेटा जब तक हम जिंदा हैं तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। जी हमारी झोली में कुछ डाल दीजिए। क्या बेटा? कुछ भी आप जो भी देंगे ना हमें आशीर्वाद समझ के मंजूर होगा। तो चलिए दोस्त बताइए क्या देंगे आज आप हमें। हम तो तुम्हें कुछ भी दे सकते हैं बेटा, जो भी तुम मांगोगे। हमारे पापा भी यही कहा करते थे। आपको पता है अंकल जी, जब हम छोटे थे ना तो ऐसे ही पापा के आगे फ्रॉक फैला दिया करते थे, और फिर पापा ढेर सारी टॉफियां ला के हमारे झोली में डाल दिया करते थे। कहते थे एकदम पूर्वी जैसे मीठी है। आप भी दीपा भुआ की झोली ऐसे भर दिया करते होगे ना। अंकल जी हम जानते हैं हमारे पापा हमसे बहुत प्यार करते हैं, अब बस हम चाहते हैं कि वो आज अपनी माफी डाल दें हमारी झोली में। बस यही मर्जी है हमारी और हम कुछ नहीं चाहते अंकल जी, कुछ भी नहीं। अंकल जी हम जानते हैं आपको बहुत बुरा लग रहा है ना कि हम आज जा रहे हैं। ट्रस्ट मी अंकल जी हमें आपसे भी ज्यादा बुरा लग रहा है।
अरे हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम आंटी जी के दुलार और आपकी डांट के बिना कैसे रहेंगे। लेकिन देखिए ना, अब तो सब ठीक हो गया है। आपके बच्चे आ गए हैं, बेटी आ गई है, बेटा आ गया है, नातिन भी आ गई है। हमें पक्का पता है अंकल जी, आपको हमारी कमी बिल्कुल नहीं खलेगी। अब बेटी और नातिन तो पहले भी थे, दोस्त कहां से लाएंगे? है बीबी, ये सब यहाँ फैला के क्यों रखा है? अपनी बिटिया से पूछो, दीपा जी से। तो क्या करें अम्मा, अरे गरम कपड़ों को धुला दिया तो बस हो गया। बिना धूप दिखाए अगर संदूक में बंद कर दोगी तो स्मेल नहीं आ जाएगी। अब तुम ना हमें नए नए कानून मत सिखाओ, इतने साल से तो हम ही करते चले आ रहे हैं। कुछ तो खराब हुआ नहीं, सब बढ़िया है, बस तुम्हें दिक्कत होती है। हाँ तो ठीक है ना, अगर तुम्हें नहीं आता तो किसी और को ही करने दो। धूप दिखानी पड़ती है, नमी हटानी पड़ती है, फिर डिओड्राइजर रखना पड़ता है। बेबी जरा पास की दुकान से मंगा के लाओ। हमको कोई नीम के पत्ते सुखाए हैं हमने बेटा, ऐसे अच्छे से, ऐसे बेबी हर साल लगाते हैं ना, ऐसे ऐसे बढ़िया से लगाओ जैसे हमारी सास ने हमें सिखाया। ओफो अम्मा, बरसों पहले दादी सिखा के गई और तुम आज तक वही रट रही हो। जमाना कितना बदल गया है, थोड़ी तो अपडेट हो जाओ ना। ये नीम नीम कितने ओल्ड फैशन्ड है। पता नहीं क्या समझ भी नहीं आ रहा, क्या सोचती है क्या करती है। हम तो बड़े ओल्ड फैशन है, तुम तो बड़ी आधुनिक हो। अपनी अम्मा को सिखाएंगी ये। पूर्वी इससे भी छोटी उम्र में ईशा की उम्र की बराबर है, उसने तो कभी हमसे नहीं कहा कि हम ओल्ड फैशन है। कितनी इज्जत करती है हमारी। बेबी तूने देखा है ना? हाँ पंडिताई। ये किसके स्वेटर है? पूर्वी दीदी का है, हाथ मत लगाना। हमें क्या पड़ी है? बेबी पूर्वी के कपड़े संभाल के अलग करना और छांट के दे आना उसे, आज वो अपने घर जा रही है। कहीं संदूक में बंद हो गए और भूल भूल गई तो कहां देने जाएंगे? ये भी रखो, ये रखो अभी। देखो केवल, अमेरिका में जॉब सिचुएशन वाकई बहुत खराब है, पेंडेमिक के बाद स्पेशल। हमने तो पापा को भी नहीं कहा कि हमारी जॉब जा चुकी है। दीपा से कह दिया कि नए जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें कह रहे हैं। सच्चाई ये कि हम यहाँ बिजनेस करना चाहते हैं। आप एक बार सेट हो गया फिर गुंजन को बुला लेंगे बस। अरे आलोक तुम टेंशन मत लो यार, मैंने सारी सेटिंग कर दी। तो बताया था ना मैंने वो बनारसी कपड़ों की फैक्ट्री के बारे में, उसके ऑनर को इमरजेंसी है, 2 करोड़ की फैक्ट्री को 1 करोड़ में दे रहा है। इससे सस्ता धंधा नहीं मिल सकता है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा इतना सस्ता क्यों दे रहा है वो, कहीं कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है? किस बिजनेस में रिस्क नहीं होता है? आलोक इतना सोचो मत, बस तुम हाँ कर दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। कैसे हाँ कर दे यार, तुम्हें तो कहा था ना कि सब जोड़ जाड़ के बड़ी मुश्किल से 25 लाख निकलेंगे, बाकी तो लोन लेना होगा। अच्छा बताओ अमेरिका के पेपर्स का क्या हुआ? यहाँ के सारे बैंकों में मैंने बात की है, लेकिन कोई भी बैंक अमेरिका के पेपर पे लोन देने को तैयार है नहीं। तुम अंकल से बात करो ना, उनकी तो जान पहचान है, गवर्नमेंट ऑफिसर थे, उनकी एक सिफारिश पे अपना काम हो जाएगा। नहीं यार, जानते हो ना पापा को कितने आदर्शवादी हैं वो, सिफारिश की बात सुनते ही नाराज हो जाएंगे, कहेंगे जो करना है अपने बलबूते पर करो। वैसे बचपन से देखता आ रहा हूँ अंकल को, उनका अलग ही भौकाल रहा है। इनफैक्ट हम सारे दोस्त लोग तुम्हारे घर आने से डरते थे। इन बातों को छोड़ो यार, ये बताओ तुम्हारे पास कोई और आइडिया है क्या? आलोक इतना टेंशन मत लो, अब तुम हमारे शहर में हो, कुछ ना कुछ इंतजाम करूंगा। एक आदमी है हमारी निगाह में जो हमारी हेल्प कर सकता है, लेकिन लोन टके पर देगा,
keep it. चलो एक रुपए पे 25 पैसा. 25 पैसा? ये तो बहुत ज्यादा है यार. हाँ वो तो है, पर और कोई रास्ता भी तो नहीं है. वैसे भी तुम्हें इंडिया में जॉब मिलने से रही, बहुत मारामारी चल रही है यहाँ पे. कौन है वो आदमी जो टके पे लोन देगा? तुम गौतम मिलवा देता हूं, टाइम है तुम्हारे पास. एक मिनट. कहाँ है भैया? पूर्वी के पेरेंट्स आने ही वाले होंगे, जल्दी आ जाइए. टाइम है मेरे पास. आंटी जी देखिए, एक बारी देखिए ना, ठीक से डाल रहे हैं ना? हाँ डाल डाल, ये टूट ना जाए हमसे. नहीं नहीं टूटे, तू डरती क्यों? हमने सिखाया है ना. नहीं, करती हम करेंगे, प्लीज करो करो. हम बस थोड़ा नर्वस हो रहे हैं, पहली बार बना रहे हैं ना. बना बेटा. आंटी जी हम बहुत एक्साइटेड है आज. पापा खुश हो जाएंगे ना जान के कि पूर्वी ने इतने दिनों में पता नहीं क्या क्या सीख लिया है. हाथ चला बेटा, हाथ चला. इसके बाद ये लो मसाला, लो हमने ऐसे ऐसे डालो, मिर्ची भी डालो, नमक का अंदाजा हम डालते हैं. चलो इतना काफी है. हाँ डालो, इसको ना सजाओ ऐसे. हाँ ठीक है, सजा के बेटा. हाँ ला, बस अच्छे से बन जाए और सबको अच्छा लगे. इतना नमस्ते जी. नमस्ते. आइए. नमस्ते जी. नमस्ते. आलोक, ये हमारा बेटा है आलोक. नमस्ते. नमस्ते. इसी ने आपको फोन किया था पूर्वी के बारे में. बेटा अंदर से पूर्वी को बुला लो. जी पापा. पूर्वी कहाँ है? आपकी पूर्वी सहमी से खड़ी है, बहुत इंतजार कर रही थी आप लोगों का, कब से तैयारी में लगी है, चहक रही थी पापा को हम ये दिखाएंगे, मम्मी को हम ये खिलाएंगे, और अब बिल्कुल चुप खड़ी है. मम्मी, पूर्वी, मम्मी, मेरी बच्ची.
हूँ।